मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए से मैं स्टेशन पर मिला था वो शर्मा भी सकती है जी नहीं मैं नहीं शर्मा रही अच्छा तो फिर आपकी आवाज में ये हिचकिचाहट कैसी आपने क्यों फोन किया आपको मुबारकबाद देने के लिए सुना है आज आपको मेरे नाम का उपनाम लग गया मिले जोड़े में कैसी लग रही हैं आप प्लीज अपनी कोई पिक्चर व्हाट्सएप कर दें मुझे आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे हां तो क्या हुआ हां क्या मेरा क्योंकि आज से आप मेरी हैं। किसने कह दिया आपसे ये हादसा होने में अभी भी चंद दिन बाकी हैं। और मैं चाहता हूँ ये चंद दिन चंद पलों में बिता जाए। And you know what? मैंने आपको और अपना नाम एक साथ जुड़वा दिया। मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे
से पता था बेटी के घर ऐसे जाना होगा। आज तो हमने मुखलावे के लिए उसे अपने साथ घर लेकर आना था। आज तो मैंने उससे बहुत सारी बातें करनी थी, उसकी ससुराल के बारे में पूछना था, उनके रस्म और रिवाज के बारे में। बहाने बहाने से पूछना था वो खुश तो है ना। उसके लाड उठाने थे, फरमाइशें पूरी। नसीब से कोई नहीं लड़ सकता, अब यही हमारा मुकद्दर है। क्यों शादी, क्यों लिखने वाले ने हमारी तकदीर में ऐसा स्याह दिन लिख दिया। मेरी भाई तो बहुत मासूम है, उसके साथ क्यों हुआ ये सब। सब्र करो, हिम्मत से काम लो। अगर तुमने ही सब्र हार दिया तो साहिबा और नाजिम का क्या बनेगा, वो इस गम का सामना कैसे करेंगे। नाजिम तो पहले ही हमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र है, वो अकेली कैसे रहेगी। उसकी सास की आंखों में लिखा पढ़ते हुए मुझे खौफ महसूस हो रहा था। शाजी, वो अपने बेटे की मौत को अल्लाह की कमी समझकर सबर नहीं करेगी। शाजी, मेरी बच्ची उसके रहम करम, वो लाख भी चाहे तो उससे अच्छा सलूक नहीं कर पाएगी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माहे ने ये साबित कर दिया कि वो काजिम शाह की बेटी है, बहादुर बेटी। मुझे उसके फैसले पर दुख जरूर है, लेकिन मुझे फख्र है कि उसने ऐसे वक्त में वहां रहने का फैसला किया। तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी बेटी साबित कदम रहे। अभी तो उसने और बहुत से तूफानों का सामना करना है। हाँ जी, दो जनानी आपसे मिलने आई हैं। मैंने उन्हें बहुत कहा कि जनाने में बैठे, वो मानती नहीं। जनानिया कौन? पता नहीं साईं जी, दोनों ने बुरखा पहन रखा है। कहती क्या है? एक तो चुप है साईं, दूसरी बोलती है कि सिकंदर साहब को इतला करो कि मिलना है उनसे, मिलकर हम वापस चली जाएंगी। न्याज नजर की तलाश में होंगी, उन्हें बाहर से रुख्सत कर दो। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता इस वक्त। साईं जी, नजराना लेने से उन्होंने मना कर दिया है। आप कहें तो मैं उनको डांट कर भगा दूं। सुनो। जी साईं। आता हूं। कैसे? आप फोन नहीं अटेंड कर रहे थे और आपके भाई के सानिया सुनकर मेरा दिल बहुत बेताब था साईं। पुरसा देने आई हूं मैं। अच्छा, तो खुद की खबर नहीं रही। पता नहीं खुद को कैसे घसीट रहे हैं दिनों से।
मगर तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रोमाना। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ साईं, आपका गम ही था जो मुझे यहां तक खींच लाया। अगर आपको बुरा लगता है तो हम चले जाते हैं। कहते हैं पुरसा हो या मुबारकबाद, वक्त पर ही पहुंचना चाहिए। चलो सुखराम। रुको, वैसे भी कोई बात नहीं है, तुम आई हो तो दो घड़ी बैठ जाओ। मुझे अफसोस है कि मैं माही और अम्मा साइन से मिलान तुम्हें स्नान खाने में नहीं ले जा सकता। मैं जानती हूँ, मैं बस आपसे मिलने, आपको देखने, आपको देख लिया है बहुत है मेरे लिए। कुछ कयामतें हम पे इतनी शिद्दत से और इतनी अचानक गुजर जाती हैं कि हमें उस वक्त तो दर्द की शिद्दत का एहसास नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त हमें एहसास दिलाता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। फिर धीरे धीरे दर्द और गम के और बाप खुलते चले जाते हैं। बहुत देर बाद जाके अज़ियत की शिद्दत का असल एहसास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ काम सदा के लिए होते हैं साईं। मैं आम और रवायती लफ्जों की ताजियत से आपके गम की तौहीन नहीं करूंगी। आप गम मनाइए, जी भर के मनाइए। आपके दुख दर्द और गम का बदल दुनिया के किसी लफ्ज में नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, दुनिया के किसी कोने में एक बदनसीब रोमाना जैसी भी है जो आपके गम में हमेशा गमगीन रहेगी। हो सके तो चंद शेर गम मुझसे भी बांट लिया कीजिए साईं। मनोवजनी गम से रत्ती बराबर भी अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरी खुशनसीबी है। कौन कहता है तुम्हारा ताल्लुक वहां से है जहां तुम रहती हो। हमें अब चलना चाहिए, हमारा यहां बैठना आपके लिए मुश्किल बन सकता है, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ऐसे कैसे, मेरा मतलब है कि। कोई बात नहीं साईं, आप हमें यहीं से इजाजत दीजिए, हम यहीं से रुखसत हो जाते हैं। हमारे पीछे बाहर मत आइएगा, आपके मुलाजिम बाहर हैं, खामखा बातें बनेंगी और ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन रीत और रिवायत भी कोई चीज होती है, घर आए हुए मेहमान को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर यूं समझ लीजिए कि मैं मेहमान नहीं हूं, आपकी इस शानदार हवेली में एक मामूली सी खादिमा हूं। मेंढा हो है, गोद मेंढी उजड़ी है, हवेली ते मेंढी वीरान हुई है। हम अंदर आ जाए। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम शहरबानो है और इसका नाम शाहजहान है। आप हमारी चाची हैं ना? वालेकुम अस्सलाम। आपने ठीक सोचा। आ जाओ।
चाची आपने वो वाला ड्रेस क्यों नहीं पहना जो आपने उस दिन शादी पे पहना था? आप उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। वो शादी का ड्रेस था ना, इसलिए बस उस दिन पहना और अब नहीं पहना। चाची पता है मानो कहती है वो भी अपनी शादी में ऐसा ही जोड़ा बनाएगी। ठीक है, फिर हम सब मिलकर शेरबानों के लिए उससे भी अच्छा जोड़ा बनवाएंगे। ठीक है? लेकिन चाची तैमूर चाचू कहाँ चले गए हैं? वो हमारे घर में काम नहीं करती हैं सकीना, तो वो तो कह रही थी कि चाचू अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमारी मामा भी ऐसी चली गई थी, फिर वो कभी वापस नहीं आए। ऐसी बातें नहीं करते, अगर चाचू सुनेंगे ना तो उन्हें बहुत दुख होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चाची के तैमूर चाचा हमारी सब बातें सुनते होंगे। इधर आओ, अब बैठो। जो भी अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं ना, वो हमें देख भी सकते हैं और वो हमें सुन भी सकते हैं। सच चाची? सच। तो आप दोनों हमेशा खुश रहा करो, कभी ऐसी कोई बात ना किया करो, ताकि आपके चाचू आपको ऊपर से देखकर वहां पर खुश रह सके। देखा शाहजान, मैं ना कहती थी कि चाचू हमें छोड़ के नहीं गए, वो हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और खपरदार, ये जो छुप के तुम ड्राइवर से आइसक्रीम मंगवाते हो ना, अगर अगली दफा से ऐसा किया ना तो फिर मैं तुम्हारी चाचू से शिकायत कर दूंगी। अगर चाचू हमारी सब बातें सुनते हैं तो हम वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो आपके सारे जवाब मुझे दे देते हैं। तो आपको आज के बाद कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बोलना हो, आप मुझे बोल देना, मैं उन्हें बता दूंगी। और जल्दी से उनसे पूछकर उनका जवाब आपको दे दूंगी। ये ठीक है चाची। रशीदा, साई सिकंदर ते बच्चे के थन उन्हों को आखते थे जी आंदे बहन इतने सा बैठ। अस्सलाम वालेकुम दादो। अस्सलाम वालेकुम दादो। बेटा पुत्र, सवेरे स्कूल से देर हो गई थी ना, आज रोटी खाते सो जाना। जी दादो। बेटा, बाबा साईं चाची कहाँ हैं? वो हमारे साथ खाना खाने नहीं आए? रशीदा जी, बीबी से माई बीबी का खाना उसे कमरे में पहुंचाते हैं। उसको बता भी देना आज से उधर ही खाना खाएगी। जो हुक्म बीबी सर। चलो बैठो। सिकंदरपुर राजा खाना ठंडा हो रहा है। Thank you.
क्या भाभी, मुझे नहीं पसंद मुर्गी फिर से। हाँ पुत्र, खाने के बारे में सुरन नहीं कहते, नाशुक्री की बात होती है, खा ले। ला सालन डाल के दे साहिबा, मैं अपनी धीरानी को अपने हाथ से खिलाती, मेरे हाथ से तो खा लेगी ना। चल खुश हो जा, बिस्मिल्लाह। खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। जी क्या सोच रही हैं? पता नहीं मेरी माही रानी ठीक से खाना खाती भी होगी कि नहीं। बड़ी नखरीली थी खाने के मामले में, पता नहीं क्या हाल होता होगा। भरा भराया घर है वो, अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम फिक्र ना करो, ये वहम जो है ये दिल से निकाल दो। मेरा दिल चाहता है अपनी बच्ची को जाके देखो, पर तैमूर की माँ का रवैया रोक देता है। जवान बेटा मरा है उनका, और वो भी हमारी दुश्मनी की वजह से। हमसे सर्द मोहरी तो बनती हो, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। 40वां गुजर जाने दो, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। मेरी जवान बच्ची वहां बिल्कुल अकेली, बहुत बहादुर है हमारी बेटी। अगर चाहती तो हमारे साथ वापस आ सकती थी, लेकिन उसने खानदानी होने का सबूत दिया है। तुम अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। बड़ा इंतजार करवाया काका। मन जो मजो मन जो मजो मन जो मजो
सोच टुरदा नाल बराबर, दिन क्यों लखण साल बराबर, अखदा चानन मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर। मुर्शद जे नाराजी होवे मुजरा नाच तमाल बराबर, उत्तो उत्तो परदे पावन विचों सब दा हाल बराबर। मुर्शद जे नाराजी होवे मुजरा नाच तमाल बराबर, सूरज टुरदा नाल बराबर, दिन क्यों लगन साल बराबर। यार मनावना बुलिया सुने। आप बोलिए।
रोमाना कहाँ चली गई थी? तो यही थी, घर चले। चलो, जान ही नहीं गाल दी तुमने मेरी। वो सारा बोझ साई सिकंदर थे ना पा देना, वंड के आप पे ही कम करे। मैं बारी बारी हदायत ना दिसा, मेरे अंदर ऐडा हौसला को ना। बीबी साहब, रब तो आपको हौसला देवे, सबर देवे जी, शाला हंसते वसते जीते रहो। तुसा फिक्र ना करो जी, असा सब कुछ संभाल गिनसा। हाँ बीबी साहब, हूँ तो हर शे सुनजी लगती पई है। हूँ तो घर कितना उदास है, ए हवेली साय करे दी पई है बीबी साहब। हाँ बीबी साहब, सारिया रौनक तैमूर साई दे दम नाल हवेली विच कदम रखते हैं ना, तो इवें लगता है जो हर शह जिंदा थी गई है, हर शह गाली करेंदी पई है। बच्चों के नाल बच्चे ही पढ़ वेंदे हन, तो उन्हां दी शरारतां दे हिस्सेदार बन वेंदे हन साडे तैमूर साई। इस तरह तो ऐसे ही बेटा तैमूर जिंदा दिल जिंदगी नूं जीण वाला, सारिआं नूं हसाण वाला, खुश रखण वाला। बीबी साहिब, उन्हां ज़ालमां ने साडी साईं जिंदगी लेवण वाले साईं दी जिंदगी खस कीती है। खुदा उन्हां दा खाना बर्बाद करे, खुदा उन्हां को जलील खुआर करे, शाला उन्हां दा कक्क ना रवे। मेरा घर करे बीबी साहिब, मेरा घर कती वे इन्ना दा। रब उन्हां को गलत करे जी, जिवें उन्हां ने बेदर्ती दे नाल साडे साईं को मारिया, रब उन्हां को ही वे मारे जी। बाल लगले रब उन्हां को गलत करे जी। सलाम। आमना चा तुझे मने किया था ना मेरे अपने कमरे च रहकर, एक बारी गल समझ नहीं आती? ध्यान रखा कर, ये तेरा घर नहीं है। जिते मुंह चुकिया तो टुर पई। लेकिन मैं तो इसे अपना ही घर समझती हूँ माजी। ना मैं को ना तेरी मां, अगली बारी इस रिश्ते से ना बुलाई मेरे को। तो फिर आप ही बता दें कैसे पुकारूं आपको। कुछ ना कह, कुछ ना कह मेरे को। मैं सिर्फ सिकंदर तैमूर दी मां सैना।